लेटेस्ट न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए। एक फिल्म करने के कितने रुपए लेते हैं, ये बॉलीवुड स्टार से सभी जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड सितारों को फिल्म में काम करने के बदले में कितनी फीस मिलती है। हर सितारा अपनी फिल्म हिट होते ही अपने दाम ऊंचे कर देता है, लेकिन फ्लॉप होने पर कीमत कम नहीं करता है। सफलता का श्रेय खुद लेता है और असफल होने पर दोष दूसरों पर मढ़ देता है। माथा देखकर भी तिलक लगाने की परंपरा है। यदि बैनर बड़ा है, निर्देशक हिट फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सितारे कम दाम में फिल्म कर लेते हैं ताकि इस फिल्म की सफलता के बाद वे अपनी कीमत बढ़ा सकें। कभी बाजार भाव से ज्यादा फीस भी ये वसूल लेते हैं। यहाँ पर कुछ सितारों की फीस बताई जा रही है जो विभिन्न स्रोतों से वे दुनिया ने जुटाई है। रणवीर सिंह, बाजीराव मस्तानी के पहले रणवीर सिंह को 3 से 5 करोड़ रुपए के बीच मिलते थे, लेकिन बाजीराव मस्तानी की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने फीस में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी। वे अब 10 करोड़ रुपए लेते हैं। वरुण धवन की अब तक 8 फिल्में प्रदर्शित हुई हैं और किसी भी फिल्म में नुकसान नहीं हुआ है। वे 5 से 7 करोड़ रुपए लेते थे, लेकिन बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बाद उनकी फीस 10 से 12 करोड़ रुपए हो गई। रणबीर कपूर की फिल्में भले ही फ्लॉप हो रही हो, लेकिन वे फ्लॉप नहीं हुए हैं, उनकी डिमांड बनी हुई है। रणबीर 20 से 25 करोड़ रुपए प्रति फिल्म लेते हैं। अमिताभ बच्चन भले ही उम्र 75 के करीब है, लेकिन कई युवा सितारों से बिग की फीस ज्यादा है। रोल की लंबाई को देखते हुए भी उनकी फीस निर्धारित की जाती है। वे प्रति फिल्म करने के बदले 12 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। ऋतिक रोशन, कम फिल्म करने वाले ऋतिक रोशन की फीस 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच रहती है। कई बार वे इससे भी ज्यादा रकम लेते हैं। अजय देवगन फिल्म के बजट को देखते हुए अपनी फीस कम ज्यादा करते रहते हैं। वैसे उनकी फीस 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच रहती है। अक्षय कुमार, फीस वसूलने के मामले में अक्षय कुमार सबसे आगे हैं। 40 से 50 करोड़ रुपए तक वे लेते हैं। कभी कभी मुनाफे में हिस्सा भी ले लेते हैं, जैसे जो अली एलएलबी 2 में उन्होंने फीस के बजाय मुनाफे में हिस्सा लिया और 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। एयरलिफ्ट में काम करने के बदले में उन्होंने काफी कम फीस ली थी। आमिर खान चाहे तो 50 से 60 करोड़ रुपए तक फीस ले सकते हैं, लेकिन वे फिल्म के मुनाफे में भागीदारी कर ज्यादा कमाते हैं। 80% तक हिस्सा लेते हैं। दंगल जैसी फिल्म करने के बदले में उन्होंने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। आमिर को पता रहता है कि उनकी फिल्म हिट होगी, इसलिए वे फीस की बजाय पार्टनरशिप करते हैं। शाहरुख खान की फीस कम ज्यादा होती रहती है। करण जौहर या आदित्य चोपड़ा की फिल्म करते समय वे फीस नहीं पूछते, जो दिया जाता है वो रख लेते हैं। वैसे वे 40 से 45 करोड़ रुपए तक लेते हैं। वे भी आमिर के अनुसरण करते हुए लाभ में हिस्सा बांटते हैं। अपनी फिल्मों की मार्केटिंग के जरिए भी वे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कई फिल्मों में उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। सलमान खान फिल्म की कमाई में से हिस्सा लेते हैं। उनकी फिल्म की कमाई में 70 से 85% तक की भागीदारी होती है। सुल्तान में उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए। वैसे फीस वे चाहें तो उन्हें 60 करोड़ तक या इससे भी ज्यादा मिल सकती है। लेटेस्ट न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।